राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज सुबह जब मैं उठी और जब मैंने बच्चों का टिफिन बनाने के लिए तैयारी शुरू करी, तो मुझे वैभव की आवाज़ आती है और वैभव मुझे क्लियरली बोल देता है कि मम्मा प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। और बड़ी जल्दी ऐसे करता है, मुझे लगता है सभी के बच्चे ऐसे करते होंगे, तो बड़ी जल्दी हाथ जोड़ के बोलता है कि मम्मा प्लीज़ मेरे टिफिन में पराठा मत देना। तो मैंने कहा क्या चाहिए तुम्हें, दाल चावल चाहिए? बोला नहीं, मुझे दाल चावल भी नहीं चाहिए। आप हर दिन मुझे टिफिन में पराठा देती हो, चावल देते हो, जिसकी वजह से मैं परेशान हो गया हूँ। चावल इन द सेंस, ये जो फ्राइड राइस वगैरह हम बनाते हैं, जैसे मैंने वो दे दिया तो वो नहीं खाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी मेरे गैस के ऊपर एक कढ़ाई देख रहे हैं रखा हुआ, तो ये लंच का समय है, जब बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, आ चुके थे ऑलमोस्ट बच्चे। आते ही वो नहाते धोते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ। तो हमेशा ही मैं बच्चों को फ्रेश, तुरंत जब वो घर आते तभी खाना बनाकर देती हूँ। कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ठंडा खाना उन्हें खिलाया हो, ना हस्बैंड को ना बच्चों को। तो दोनों बच्चों के लिए मैंने फ्राइड राइस बनाया था। वैभव नहीं खाता है ऐसी चीज़ें, तो मैंने सोचा उसके लिए मैं ये बना दूं, क्योंकि सुबह बहुत परेशान था जब स्कूल गया था। तो 5 मिनट वाली रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, बहुत हेल्दी, बिना घी तेल की। 1 कप सूजी, आधा कप दही, आधा कप पानी। देखो कितना सिंपल मेजरमेंट है। और ये पोहा जो होता है ना, ये वही पोहा है। ये मैंने 2 टेबल स्पून पानी में भिगोया था, लेकिन भीगने की वजह से इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई। तो भीगा हुआ 2 टेबल स्पून पोहा इसमें डालिए, 1 टीस्पून चीनी और 1 टीस्पून के करीब नमक जाएगा, और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। ठीक है, सारी चीज़ें मिक्सी के जार में डाल दीजिए। इसमें हमने सूजी, दही, पानी जो लिया है, साथ में चीनी वगैरह, ये सब आसानी से हमारे घर में होता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से अरेंज करना पड़ेगा, मिक्सी भी हर घर में है। तो आप इसे पीस लीजिए, सारी चीज़ों को अलग से, कोई बैटर नहीं बनाना। तो बच्चों को सिर्फ 5 मिनट में आप ये हेल्दी टेस्टी नाश्ता बनाकर दे सकते हैं, और बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये देखिए कितना शानदार ये बैटर बन गया है। 2 मिनट लगे हैं मुझे इसे पीसने में, 2 भी नहीं, कम ही लगा है, बस पीसना है। मिक्सी में इसलिए पीस दिया है सारी चीज़ों को, ताकि एक साथ रच बस जाएं सारी चीज़ें, और बाद में मुझे मेहनत ना करनी पड़े। तो गर्मी भी है, मन नहीं करता है कुछ बनाने का, और बच्चों का भी कुछ खाने का मन नहीं करता है, हैवी हैवी तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में कुछ रेसिपीज अगर ऐसी मिल जाए जिसमें घी तेल का यूज़ ना हो, तो फिर अच्छा लगता है, बच्चे खुश होकर खाते हैं। तो ये एक पैन है, इस आपको इस रेसिपी में स्पेशली नॉन स्टिक पैन या तवे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं मेरे इस तवे के बारे में, ये प्रेस्टीज से मैंने लिया था, बहुत बढ़िया तवा है ये। तो तवे को आपको ना तो घी लगाना है, ना तेल लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। ये जो बैटर हमने तैयार किया है, इसको कोई रेस्ट भी नहीं कराना है, तुरंत आप इसे इस तवे के ऊपर डाल दीजिए, और देखते देखते इसमें ऐसी जालियाँ पड़नी शुरू हो जाएगी। तो जैसे जाली पड़ेगी और ये ऊपर से सूख जाएगा, लाइक ड्राई हो जाएगा ऊपर से, बिल्कुल कोई गीलापन नहीं दिखेगा, तब आप इसे उतार लीजिएगा। ये देखिए देखते देखते इसमें किस तरीके से जाली आ रही है। फ्लेम जब आप ये बैटर तवे पर डालेंगे तब रहेगी हाई, और जब बैटर आप इस पर डाल देंगे ना सारा, तब एकदम स्लो कर दीजिएगा। स्लो फ्लेम पर ये जो आपका स्पंज डोसा है ये बनना चाहिए, अपर साइड एकदम ड्राई होनी चाहिए, तब आप इसे उतार लीजिएगा। कलर देखिए कितना बढ़िया आया है, और नीचे से बहुत अच्छे से पका है ये। तो टोटल जो मैंने आज बैटर बनाया है उसमें से ना ये 5 बने हैं। ठीक है जी, तो सबका साइज थोड़ा अलग अलग है, एक बहुत बड़े साइज का बना है, एक बच्चों ने खा ही लिया था, और ये 5वां आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाना है आपको। ये बैटर बस लैडर भर के तवे पे डालना है, और चलाना नहीं है तवे को, मतलब जो लैडल है वो, उससे इसको स्प्रेड नहीं करना, जैसे हम डोसा फैलाते हैं ऐसे नहीं फैलाना, बस डालकर छोड़ दीजिए। तो वो बन रहा है, बच्चे स्कूल से आ चुके थे, वो नहाने धोने में लगे हैं। दोनों बच्चों के लिए फ्राइड राइस है, हस्बैंड के लिए दाल चावल है, और वैभव के लिए ये मैंने स्पंज डोसा बनाया। अब इसके साथ खाने के लिए बहुत शानदार चटनी, जिसके लिए 1 छोटा चम्मच मैंने मूंगफली का तेल डाला है, जीरा डाला तेल में, और मैंने 2 टेबल स्पून चने की दाल डाल दी। आप ये चटनी बनाना, आप बोलोगे कि नेहा इतनी बढ़िया चटनी की रेसिपी तूने अब से पहले क्यों नहीं दी। यहाँ पर मेरे कैमरे में प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए देखिए कैसा हो गया है। कई बार बोलती हूँ ना मैं आपको कि वीडियो करप्ट हो जाते हैं, ये देखिए करप्ट वीडियो हो गया था, वो तो शुक्र है कि आगे की क्लिप बच गई थी। तो चने की दाल जब सुनहरा हो जाए तब आपको क्या करना है, इसमें डाल देना है 1 टमाटर रफली चॉप्ड, और 1 प्याज, 2 मीडियम साइज के प्याज थे, और करी पत्ता डाल देंगे 10 से 12, और 2-3 लहसुन की कलियां डाल देंगे, और 1 टेबल स्पून इमली डालकर इन टमाटर प्याज को 3 से 4 मिनट के लिए मध्यम आंच पर भून लेंगे। तो
तो प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, टमाटर भी थोड़े सुनहरे से हो जाएंगे, तब तक भूनिएगा। फिर आप इसमें ना सूखी लाल मिर्च डाल सकते हैं, मैंने दो से तीन सूखी लाल मिर्ची भी डाली थी इसमें, तो इसमें सूखी लाल मिर्ची डाली मैंने, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी डाला है और नमक स्वाद के हिसाब से डालकर इन्हें मैंने 6 से 7 मिनट के लिए चटनी को जो है टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लिया है। तो ऐसा नहीं करना है कि टमाटर बिल्कुल मैशी हो जाएंगे तब तक पकाना है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बस सारी चीज़ें अच्छे से भून जाए, 4-5 मिनट लग जाएंगे बस उतना ही पकाइए, फिर इसे ठंडा करके मिक्सी के जार में पीस लीजिए। ये आपकी चटनी स्टोरेबल है, ये खराब नहीं होती है, बहुत शानदार बनती है। अब मिक्सी का जार में थोड़ा सा पानी डालकर वो भी मैंने इसे मिक्स किया और बिल्कुल ऐसे टेक्सचर की चटनी आपको बनाकर तैयार करनी है। अगर आपको एक गाढ़ी लगती है तो थोड़ा सा पानी आप इसमें मिला सकते हैं, मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, मुझे ऐसा ही टेक्सचर इसका चाहिए। अब चटनी बना ली, इसके ऊपर एक छोंक बनाएंगे हम, जिसके लिए मैंने वापस से बिल्कुल थोड़ा सा मूंगफली का तेल डाला है और इस चटनी पर जो छोंक है ना वो बहुत शानदार बनता है। अब इस तेल को अच्छे से गर्म करके इसमें राई डालेंगे, चने की दाल थोड़ा सा डाल देंगे और गैस की फ्लेम यहाँ पर बंद कर देंगे। जो दाल है उसे जलाना नहीं है, थोड़ा सा ही तेल है तो दाल अच्छे से लाल लाल हो गई थी। फिर करी पत्ता डाल देंगे थोड़ा सा, आप चाहे तो यहाँ पर सूखा लाल मिर्ची को तोड़कर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। अब ये जो तड़का है इसको चटनी के ऊपर पोर कर देंगे और अच्छे से इस चटनी में मिला देंगे। बहुत टेस्टी, बहुत ही बढ़िया ये चटनी बनकर तैयार हो जाती है और ये हमारा नाश्ता देखिए फटाफट बन गया। तो जब आप इसे सर्व करते हैं, ये ऑप्शनल है जो मैं भी कर रही हूँ, मेरे बच्चों को ये घी वाला बहुत अच्छा लगता है। साउथ में आप कहीं भी जाएंगे स्पंज डोसा आपको घी में ओवरलोडेड ही मिलेगा और बहुत टेस्टी लगता है। तो ये हमारा स्पंज डोसा बनकर तैयार है, टोटल 5 बने थे, एक ख़त्म हो गया और ये देखिए इसका टेक्सचर, इसकी सॉफ्टनेस देखिए कितने अच्छे से पका है ये। तो जब तक बच्चे हाथ मुंह धोकर आएंगे तब तक तो ये बनकर तैयार भी हो जाएगा, अलग से कोई प्रेप भी नहीं करनी और इसके साथ ये चटनी भी बड़ी जल्दी बनती है, टोटल 10 मिनट्स में दोनों चीज़ें बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये चटनी के साथ खाएं आप या फिर इस पौड़ी मसाला के साथ। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, ये होममेड पौड़ी मसाला है जो साउथ के हर खाने के साथ जाता है और ये बहुत स्वादिष्ट होता है। तो गाइज ये बहुत शानदार बनता है और खास बात ये सिर्फ 5 मिनट बनता है। तो जब बच्चे ये कहे ना कि रोटी सब्जी खाते हैं तो बोर होते हैं, प्लस गर्मी के लिए बहुत ही शानदार टेस्टी रेसिपी है, बहुत बढ़िया बनता है ये गाइज, आप इसे बनाना आपको बहुत पसंद आएगा। आज सुबह मैंने उनको टिफिन में ये दिया था, ये है सहजवान फ्राइड राइस, ठीक है, बहुत अच्छा बनता है ये, इसकी रेसिपी भी मैं आपको दे दूंगी। तो मेरे दोनों बच्चों को ये बहुत पसंद है, ठीक है जी। तो वैभव को मैंने जानते हो आज क्या दिया था टिफिन में? तो मैं ये चटनी साथ में पौड़ी मसाला और ये खाना वैभव के लिए लेके जा रही हूँ, लेट्स सी कि वैभव का रिएक्शन क्या होगा। ठीक है वैभव, खाने में क्या खाओगे बेटा, दाल चावल की रोटी सब्जी? कुछ नहीं। क्यों? हर देर आप मुझे रोटी देंगे जो स्कूल के लिए लंच के लिए, और मैं बोर हो चुका हूँ उससे, और फिर हर शाम मैं चावल ही खा लूँ, बस कुछ और ना दो। अच्छा क्यों, तुम्हें पता है कितनी गर्मी है किचन में, कुछ भी खड़ा नहीं हो जा रहा, जो बनाती हूँ ना मैं आप उसे चुपचाप खाया करो। मम्मा प्लीज ये लो, ये खाओ, ये लो, मैंने आज तुम्हारे लिए ये बनाया है, तुम्हारा ऑल टाइम फेवरेट स्पंज डोसा। जल्दी खा के आज बताओ मुझे कैसा बनाया, ठीक है? वो मेरे पैरेट। दिखाओ क्या बनाया तुमने, दिखाना मुझे, ये दिखाओ पैरेट। ये वैभव के पार्ट टाइम गेम्स है, ये सब बनाता है वैभव, ये लो खा के बताओ कैसे बना है तुम्हारा स्पंज डोसा, और घी डाल दिया है और चटनी भी, पैनकेक समझ के खा लो, कैसा है? अरे टेस्ट तो करो, मीठा? अरे नहीं मीठा क्यों होगा, चटनी है। गाइस आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए ना पौड़ी मसाला की, कमेंट करना मैं दे दूंगी आपको, ये होममेड ही है, ये मैंने घर पे बना रखा है। हाउ इज द टेस्ट? चटनी के साथ खाओ, ये चटनी स्पेशल है, इसके साथ खाओ। चारों तरफ तुमने आंखें घुमा दी, कैसा है? अच्छा।